नमस्कार, मैं बनवारीलाल कुशवाहा और आप देख रहे हैं C20 न्यूज। देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। फिरोजाबाद जिले के मक्खनपुर के क्षेत्र में स्थित शमशान घाट में शोकाकुल परिवार के लोगों को गंदे पानी के बीच से अपने मृत स्वजन की अर्थी ले जानी पड़ती है। यही नहीं, रास्ते में ही जल भराव से ही होकर लोगों को शमशान घाट तक पहुंचना पड़ता है। इसके बाद शोकाकुल परिवार मृत देह का अंतिम संस्कार करते हैं। लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बाद भी समाधान नहीं हुआ है। बता दें कि मक्खनपुर नगर पंचायत के अंतर्गत गांव जिजौली में स्थित शमशान घाट वाले रास्ते में काफ़ी जलभराव होने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं कि दाह संस्कार करने के लिए शोकाकुल परिवार के साथ अर्थी लेकर शमशान घाट जाने वाले रास्ते पर जलभराव, वह भी गंदा पानी भरा है। यहाँ तक कि इस शमशान घाट पर मक्खनपुर, नवादा और जिजौली के लोग इसी गंदे पानी के बीच अर्थी लेकर अंतिम स्थल तक जाते हैं। ऐसे में दाह संस्कार के समय लोगों के अंदर प्रशासन व व्यवस्था के खिलाफ बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिलता है। लोगों का कहना है कि प्रशासन से कई बार शिकायत की मगर आज तक रास्ता सही नहीं हो सका। लोगों का कहना है कि यदि समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नगर पंचायत अधिकारी का घेराव करेंगे। अब देखना होगा कि क्या इस समस्या का हल कब तक निकलेगा, यह तो आगे आने वाला समय ही बताएगा। तो देखते रहिए हमारे संवाददाता राजेश गुप्ता की एक खास रिपोर्ट। गंगा प्रसाद राठौर, पूर्व प्रधान जिजौली। क्या समस्या है? तीन ग्राम समाज की मिट्टियाँ आती हैं और साहब कई बार अवगत कराया है ग्राम पंचायत के ईओ साहब को नगर पंचायत में, और कोई सुनवाई नहीं है। काफ़ी ग्राम पंचायत के लोग भी गए उनके पास, तो बस हाँ वो कहे थे साहब बजट पास हो रहा है, आज हो रहा है, कल हो रहा है, और बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है साहब यहाँ मिट्टी को ले जाने में। लेकिन कितनी बार क्या कह देते हैं ईओ साहब? कह देते हैं कि साहब हो जाएगी, समस्या समाधान करा देंगे। 10-20 बार गए हैं वहाँ पर, ग्राम पंचायत के लोग भी गए, हम भी गए, काफ़ी लोग जाते हैं इकट्ठे होकर, कोई सुनवाई नहीं है आज तक। क्या ऐसी बॉडी में होगी, गंदे पानी में होगी, निकलना पड़ता है? बहुत गंदा पानी है यहाँ पर, अगर ईओ साहब जूते निकाल के भी निकल जाएँ तो सुबह शाम को खाना नहीं खाएँगे घर पर, वो इतना गंदा पानी है। समस्या या शमशान घाट क्या कब से चल रही है? ये नगर पंचायत हुई है उसके बाद में जो समस्या चालू हो गई है, उससे पहले सब बढ़िया था। यहाँ पानी आने और जो पोखर की ज़मीन भी, मतलब इसमें भीतर भी पानी भरा लगता है? हाँ, भीतर भी पानी भर जाता है इसमें। इसके पत्थर कैसे चटक गए? ये पत्थर ऐसे चटक गए इसके हिसाब के ईओ साहब ने यहाँ पर मतलब सोखता लगवाने के लिए और मशीनें घुसवा दी थी, तो मरगट के सारे पत्थर भी टूट गए। उनसे कहा भी था तो उन्होंने भी सही करा देंगे, पर आज तक कोई सुनवाई नहीं है इसमें।